आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है, पाइरूविक अम्ल से एसिटिल को एंजाइम ए के निर्माण में कितने एटीपी अणु मुक्त होते हैं? तो दोस्तों हमें बताना है कि जब पाइरूविक अम्ल से एसिटिल को एंजाइम ए का निर्माण होता है तो इसमें कितने एटीपी अणु मुक्त होते हैं। तो दोस्तों पाइरूविक अम्ल क्या होता है, जब को एंजाइम ए से जुड़ता है, ठीक है, पाइरूविक अम्ल के कितने अणु होते हैं, यहाँ पर दो अणु होते हैं, ठीक, और यही क्या करता है, दो को एंजाइम ए के अणु से जुड़ता है तो इससे क्या बनता है, एसिटिल, ठीक है, एसिटिल को एंजाइम ए और दो कार्बन डाइऑक्साइड के अणु मुक्त होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस अभिक्रिया को कौन सा एंजाइम प्रेरित करता है, पाइरूवेट, ठीक है, पाइरूवेट, डी हाइड्रोजिनेज, पाइरूवेट डी हाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक, और इस क्रिया में कितने NADH का लाभ होता है। तो दोस्तों इसमें जो दो NAD होते हैं वह किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, दो NADH2 में उनका परिवर्तन हो जाता है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर बताना है कि कितने ATP अणु मुक्त होते हैं। तो दोस्तों इसमें यहाँ पर NAD मुक्त होते हैं और एक NADH जो होता है यह किसके बराबर होता है, 3 ATP के बराबर होता है। और यहाँ पर कितने NADH मुक्त होते हैं, 2 NADH, इसलिए यह 2 × 3 बराबर 6 ATP का इसमें क्या होता है, लाभ होता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।